के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ध्वजारोहण करके किया उद्घाटन। अधिवेशन में लगभग 4,000 किसान प्रतिनिधि रहे शामिल। किसान मोर्चा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। अधिवेशन में सीएम योगी सहित अन्य मंत्री और पदाधिकारी रहे मौजूद। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने के बाद गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। पूजा अर्चना के बाद दिल्ली हुए रवाना। 24 फरवरी को गोरखपुर में होने वाले किसान रैली की तैयारियों का केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिया जायजा। कहा, किसानों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के मोटरसाइकिल रैली को पार्टी का झंडा दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रधानमंत्री द्वारा 1,72,00,000 किसानों को उनके खाते में 6,000 रुपए भेजकर किया जाएगा लाभान्वित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि 24 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की लॉन्चिंग। बढ़ेगा किसानों का सम्मान। मानदेय बढ़ाने की घोषणा सुनकर आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन में खुशी की लहर। ढोल नगाड़े की धुन पर किया डांस, अबीर उड़ाकर मनाई खुशी। अब गांवों में छिपी पारंपरिक कारीगरी को मिलेगा उचित बाजार। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को दिया गया टूल किट और प्रमाण पत्र। नगर विधायक ने कहा, खुद के रोजगार का बनेंगे मालिक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने पुष्प अर्पित कर मनाया संत गाडगे की 143वीं जयंती। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कहा, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं महिलाएं। आरिफ अजीज लेनिन के स्मृति सृजनोत्सव में हुआ नाटकों का मंचन। रंगमंच के कलाकारों ने प्रस्तुत किए जनगीत और नाटक। और पूर्वोत्तर रेलवे को 3 विकेट से हराकर DSCB पहुंची लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी 2019 ऑल इंडिया प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में। 24 को CAG से होगी खिताबी भिड़ंत।